गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फोर्थ साइंस एंड वी आर स्टडीइंग द चैप्टर टू। इन द प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडीइंग अबाउट सम अनयूजुअल प्लांट्स लाइक सनड्यू प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट फंगी एंड हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। देयर आर सम अदर प्लांट्स दैट डोंट प्रोड्यूस सीड्स, दे हैव नो रियल रूट्स और स्टेम्स एंड दे आर नॉट ग्रीन, दीज आर फंगीज। तो यहाँ कुछ अलग तरह के प्लांट भी होते हैं जो कि जिन पर ना तो कोई बीज होता है, ना ही उनकी रियल रूट्स होती हैं, ना स्टेम होता है, ना ही वो ग्रीन होता है, स्टिल वो प्लांट हैं, वो क्या होते हैं, फंगी। वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंगी इज मोल्ड। इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ ब्रेड इन अ क्लोज्ड मॉइस्ट बॉक्स फॉर 2 to 3 days, यू विल फाउंड पाउडरी पैचेस, दीज आर नोन एज मोल्ड्स। They cannot make their own food like plants, but they absorb food from their surroundings. The largest fungi is a mushroom. सबसे smallest, simplest fungi कौन सी होती है? Mold। अगर आपके पास एक bread है, आपने उसको एक box में बंद करके रख दिया, moist, जिसमें कुछ moisture content है, तो क्या होता है, उस पर कुछ time के बाद powdery patches आ जाते हैं, यानी कि powder के जैसे धब्बे, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं molds। ना तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं प्लांट्स के तरह, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं अपनी सराउंडिंग से। द लार्जेस्ट फंगी कौन सी होती है? सबसे बड़ी फंगी वो है मशरूम। हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं? प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज अपार्ट फ्रॉम गिविंग ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रेथ। लेट अस लिस्ट आउट वन बाय वन। प्लांट्स के हमारे लिए बहुत सारे तरीकों से यूज़फुल हैं, वो सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते सांस लेने के लिए, अभी हम एक एक करके फाउंड आउट करेंगे कि वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्लांट्स फॉर फूड, यानी कि प्लांट खाने के तौर पर। प्लांट सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल द फूड वी ईट, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वी ईट प्लांट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स विच ईट प्लांट्स दैट इज़ ग्रास या सीरियल्स। तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीक़ों से अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली तो क्योंकि जो हम चीज़ें डायरेक्ट प्लांट से मिलती हैं, हम उन्हें खा रहे हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। और अगर हम लोग कोई एनिमल या एग्स भी खा रहे हैं जो कि प्लांट खाते हैं, इसलिए हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है कि जैसे अगर कोई गोट को खाता है तो गोट क्या खाती है? ग्रास, यानी कि वो भी प्लांट है। तो इनडायरेक्टली ह्यूमन किस पर डिपेंड हो गया? प्लांट पर। और डायरेक्टली तो हम फूड जो भी खाते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, टमाटो, कुछ भी हो गया, रेडिश, ये सब चीज़ें भी क्या हैं, तो ये प्लांट से मिलती हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट इज कॉन्डिमेंट्स, यानी कि मसाले। स्पाइसेस लाइक कार्डमम, इलायची, क्लोव, लौंग, पेपर, मिर्च, सिनेमन, दालचीनी, ये सब मसाले भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स से। ऑयल गिविंग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स से हमें ऑयल मिलता है। सम सीड्स व्हेन क्रश्ड गिव ऑयल, मैनी ऑफ दीज ऑयल्स विच आर यूज्ड इन कुकिंग आर नोन एज एडिबल ऑयल्स। तो क्या होता है कि कुछ उनकी प्लांट्स के सीड्स को जब क्रश किया जाता है तो उसमें से कुछ ऑयल कंटेंट निकलता है, और उनमें से कुछ ऑयल्स क्या होते हैं, कुकिंग में यूज़ होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एडिबल ऑयल्स। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड कोकोनट। वो कि कौन कौन से प्लांट्स से मिलते हैं हमें? मूंगफली से, सरसों से, सूरजमुखी से और कोकोनट से। नेक्स्ट इज प्लांट्स फॉर शुगर, यानी कि शुगर के, चीनी के लिए जो हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं। वी नीड शुगर इन मिल्क, कॉफ़ी, टी एंड मैनी स्वीट। Do you know from what do we get sugar? We get sugar mostly from sugarcane plant and partially from the sugar beet. Sugar gives us energy. तो हमें क्या ज़्यादातर हमें शुगर हम लोग हर चीज़ में यूज़ करते हैं, मिल्क में, कॉफ़ी में, चाय में, तो इन सब चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं? शुगर को, क्योंकि हमें मीठे स्वीट पीते हैं, तो स्वीट के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? शुगर को। तो आपको पता है कि वो शुगर हमें कहाँ से मिलती है? ज़्यादातर वो हमें शुगर केन से, गन्ने से मिलती है, और कुछ हमें मिलती है शुगर बीट से, और शुगर से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। यू नीड टू लर्न दीज वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट इज ब्रिंजल प्लांट, ब्रिंजल प्लांट इज़ अ वेजिटेबल। रोज़ प्लांट,
ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी पौधा होता है। रबर प्लांट से हमें रबर मिलती है, शुगर बीट से शुगर, कोकोनट प्लांट से ऑयल मिलेगा और टी लीव्स को एज अ बेवरेज यूज़ करते हैं।